डॉल्फिन पानी में रहने वाला एक ऐसा जीव जिसका बाकी जीवों की तरह कोई एक खास घपाघप यानी बच्चे पैदा करने का मौसम नहीं होता। इसके लिए तो हर दिन घपाघप और हर रात सुहागरात होता है। स्वागत है आपका हमारे बक्शोदी वाला ज्ञान एपिसोड 49 में, और आज हम इस वीडियो में डॉल्फिन के घपाघप करने के तरीके के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है मीत और आप देख रहे हैं टेक मी डीसी। तो अपने कानों में हेडफोन्स डाल लो और हमारे ज्ञान के समंदर में गोते लगाने को तैयार हो जाओ। दुनिया भर में डॉल्फिन की लगभग 43 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 38 प्रजाति समुद्रों में और 5 प्रजाति की डॉल्फिन नदियों में देखी गई है। नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखा गया है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है, यानी ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। साल 2009 के पहले भारत के पास अपना कोई राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं था, जिसके बाद भारत सरकार ने गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। ये तो थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब आते हैं वीडियो असल मुद्दे पे। डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो साल के 365 दिन घपाघप करता है, और ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए घपाघप नहीं करता, बल्कि ये तो चरम सुख की प्राप्ति के लिए घपाघप करता है। भले ही इनका घपाघप कुछ ही सेकंड चलता है, पर ये हमेशा उतावले रहते हैं। और तो और ये तो मिट्टियाँ भी बेलते हैं, यानी ये अपने शरीर को मिट्टी में रगड़ के हस्त मैथुन करते हैं। पर इनका इतने से भी मन नहीं भरता, इसलिए ये आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ वाला कांड भी करते हैं, यानी समलैंगिक सेक्स करते हैं। इतना सब करने के बाद इनका कोई एक आशिक नहीं होता, इनके तो कई आशिक होते हैं, यानी इनके एक से अधिक साथी होते हैं। नर डॉल्फिन 8 से 14 वर्ष के बीच घपाघप करने लायक हो जाता है, जबकि मादा डॉल्फिन की जवानी 5 से 13 वर्ष के होते होते उफान मारने लगती है, यानी वो सेक्सुअल मैच्योर हो जाती है। नर डॉल्फिन में दो छिद्र होते हैं, एक लिंग के लिए दूसरा गुदा यानी पिछवाड़े के पीछे, जबकि मादाओं में एक जननांग होता है जिसमें योनि और पिछवाड़ा होता है जिसके साथ स्तन यानी मेमोरी स्लिट होता है। मादा हमेशा अपने झुंड के साथ ही रहती है, जबकि नर जब बच्चे पैदा करने के लायक हो जाते हैं तो वो अपना झुंड छोड़कर दूसरे किसी और झुंड में चले जाते हैं, ताकि सेम झुंड में क्रॉस ना हो। आमतौर पर नर मादा को कई तरीके से पटाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए नर डॉल्फिन एक एक्रोबेटिक शो बनाते हैं। इसके बाद नर डॉल्फिन आपस में मुकाबला करते हैं, ताकि वो मादा डॉल्फिन के सामने अपनी निपुणता साबित कर सके। और अभी हाल ही के अध्ययनों में यह भी पता चला है कि नर डॉल्फिन मादा डॉल्फिन को मनाने के लिए प्यार के तोहफे भी लाते हैं, यानी वो मादा को उपहार देते हैं। अब इतने मान मनोवल के बाद जब मादा पड़ जाती है तो हमारा नर डॉल्फिन उनके साथ इन सब के बाद जब मादा गर्भवती होती है तो इनका गर्भकाल लगभग 9 से 17 महीनों का होता है। डॉल्फिन्स का गर्भकाल अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है, जैसे ओरकास प्रजाति को 17 महीने का गर्भकाल होता है और कई प्रजातियों में 9 महीने का गर्भकाल होता है। गर्भकाल के बाद जब बच्चे को पैदा करने का समय आता है तो मादाएं एक साथ बैंड हो जाती है, ताकि बच्चे को पैदा करने में आसानी हो सके। जबकि अन्य प्रजातियों में मादा अपने बच्चे को अधिक आराम और शांत वातावरण में जन्म देने के लिए खुद को अलग थलग कर लेती है। डॉल्फिन अपने बच्चों को अपने स्तन का दूध पिलाती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो नवजात डॉल्फिन को संक्रमण से बचाता है। पर क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन एक साथ कितने बच्चे को जन्म देती है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक के अपने दोस्तों में शेयर करो। और हाँ, अगर हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे फोड़ के बगल वाली घंटी भी दबा लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जपना।